अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की मेरी वीडियो है एंड टर्म असेसमेंट की इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को ये बताना था कि कौन से पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं और कौन से पॉइंट्स आपको पास या फेल करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करने लगा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखोगे ताकि आप लोगों के लिए न्यू चीज़ें लेकर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फर्स्टली जो फेल होने की आपकी रीज़न होंगी उसमें सबसे पहली रीज़न होगी टेक इट लाइट। आप लोग लाइटली बहुत ज़्यादा इसको ले रहे हो कि यार वो तो देखेंगे नहीं, इतनी असाइनमेंट होंगी वो पढ़ेंगे नहीं, इस तरह। जब वो एग्ज़ामिनेशन के पेपर चेक कर सकते हैं तो वो आपकी असाइनमेंट्स के को भी चेक कर सकते हैं, तो इसको लाइट वे में नहीं लोगे। इफ़ योर आंसर इज ओवर रिटन, अगर आपका आंसर, अगर उन्होंने एक चीज़ का सवाल का जवाब मांगा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मांगा हुआ है, ठीक है, और आप कुछ और लिख देते हो, फलासफी ऑफ एजुकेशन लिख देते हो, फलासफी फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन लिख देते हो, तो वो आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। अगर उन्होंने फाउंडेशन पूछा हुआ है तो आंसर आपका फाउंडेशन में ही हो। अक्सर आप नेट पे ढूंढ रहे हो तो उससे रिलेटेड चीज़ होगी लेकिन वो चीज़ नहीं होती, तो वो तब भी आपका आंसर गलत कंसिडर होगा, ठीक है। तो उस बात का आप ख्याल रखोगे कि जो सवाल पूछा हो, जिस लेवल का पूछा है, आपने उसी लेवल का ही उसको जवाब देना है, आपने ओवर नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी चीज़, पर्थ नॉट इन योर रिटन, यानी कि इसके साथ असाइनमेंट की जो पर्थ अटैच करनी है वो आपकी हैंड रिटन में ना हो। अब क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा लाइट वे में इसको ले जाते हो, ठीक है। आपने क्या किया है भाई, आपने पूरी असाइनमेंट लिख दी है, ठीक है। बाकी आपने कहा यार पर्थ मैं तंग आ गया हूँ, यार पर्थ जो इसके साथ लगाने थे वो मैं अपने भाई से, बहन से, किसी से, कज़न से, किसी से लिखवा देता हूँ, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग में, अगर आपकी हैंड राइटिंग में उर्दू में है असाइनमेंट तो आपकी पर्थ भी उर्दू में हो, अगर आपने वो इंग्लिश में लिखा है असाइनमेंट तो पर्थ भी आपके इंग्लिश में लिखे हों। ये ना हो कि दोनों की हैंड राइटिंग ही मुख्तलिफ हो, अगर दोनों की हैंड राइटिंग मुख्तलिफ होगी तो आपको एंड में मसला बन सकता है। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है पेज नंबरिंग, ठीक है। आप लोगों ने पेज नंबरिंग नहीं की, ठीक है। नीचे पेज नंबर अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, आपने क्या किया, पेज नंबर जो है वो नंबरिंग करना भूल गए हो, या आपने पेज नंबरिंग आगे पीछे कर दिया, ठीक है, और आपने उसको स्टेपल करके भेज दिया, तो ये चीज़ आपके नंबर कम फेल तो नहीं करवाएगी आपको, अलबत्त आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम बुक, आपने क्या किया, आप ये सोच रहे हो कि जैसे मैंने ये सामने आपके सामने कॉपी पेस्ट किया, आप बुक से एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो वो जो पेपर मार्कर वहाँ पे बैठे होंगे उनके सामने जिस टाइम चीज़ आएगी तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यार ये बुक एक प्रोफेसर ने लिखी हुई है, ये ऑथर ने लिखी हुई है, इस बुक के 3-4 रिव्यू हुए हैं, फिर जाके उन्होंने उसको सिलेक्ट किया, उसमें इंग्लिश की कोई मिस्टेक नहीं है। अब आपने जो है वो लिखी, उसमें ना कोई मिस्टेक हुई, ना कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार इन्होंने, इसने, बच्चे ने ये चीज़ कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, ठीक है। अब वो कॉपी बुक से भी हो सकता है, वो कॉपी इससे भी, इसलिए बेहतर है एक चीज़ को रीड आउट करो बुक के अंदर से और उसको अपनी वर्डिंग में लिखो, ना कि एग्जैक्टली आप वही वर्डिंग कॉपी करो कि जिससे वो उनको ये पक्का हो कि आपने ये जो है कॉपी पेस्टिंग की है। ऑनलाइन सोर्स और परचेज ETA, ठीक है। अब ऑनलाइन सोर्सेज कौन से हैं, ऑनलाइन सोर्सेज विकिपीडिया वगैरह हैं, अब उनसे आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसमें भी इंग्लिश उनकी हाई फाई होती है, वर्डिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं उनके मीनिंग ही आपको, यानी कि अब एक जो मैं मुख्तलिफ वर्ड्स आपके सामने इस्तेमाल करता हूँ और आपको मीनिंग उसका नहीं पता, ठीक है, और फिर आप वो वर्ड अपने पेपर में इस्तेमाल कर रहते हो, ठीक है, और फिर पेपर चेक करने वाला कहेगा यार ये वर्ड मुझे नहीं पता है, एक टीचर को नहीं पता, और इसको बच्चे को कैसे पता चल गया, मतलब इसने कहीं ना कहीं से डाटा कॉपी किया, ठीक है, तो उसको उसके फेल के चांसेस ज़्यादा होंगे ETA में, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड लास्ट पेज वर्ड्स काउंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब उन्होंने कहा है कि टोटल 800 वर्ड्स हों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक पेपर में, कि हर एक पेपर की ये
टाइप तकरीबन सेम ही है। इसमें अब उन्होंने कहा है कि 800 से 1000 वर्ड्स का आपका जवाब हो। ये चीज़ आपको फेल तो नहीं करेगी लेकिन आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने पहले पेज के ऊपर जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने दरमियान सेंटर से शुरू किया है, मैंने बीच में लफ्ज़ छोड़ गया हूँ। ये तो आपके सामने प्रिंटेड है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, या इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अब जैसे इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, अब देख रहे हो पहले पेज पे ऑटोमेटिकली पहले पेज पे 1 2 3 अच्छा मैं आपको चेक काउंट करके बता देता हूँ। अब जैसे बड़ा बड़ा करके लिखे, अब पहले पेज पे वर्ड्स कितने काउंट हुए हैं, तकरीबन काउंट हो रहे हैं 132, ठीक है। इसी तरह जब वो पहले पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लफ्ज़ लिखो, ताकि अगर उन्होंने क्या क्या अगर उन्होंने किया भी सही तो वो पता क्या करेंगे, वो आपके वर्ड्स को जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने लाइंस कितनी लिखी हैं और एक लाइन में आपके मैक्सिमम कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि एवरेज ये बंदा इतने लफ्ज़ लिख रहा है। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, तो वो उस तरह से देख के उसको पता चल जाएगा यार ये ये जो है इसने 800 वर्ड से 1000 वर्ड तक इसका आंसर है, ठीक है, रीजनेबल है। उसके बाद एड्रेस, अब अक्सर लोगों का जो एड्रेस है वो आपका मेंशन किया हुआ है रोल नंबर स्लिप के साथ। अब रोल नंबर स्लिप जो तरीकेकार है डाउनलोड का वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने पे बता चुका हूँ, आपने वो वीडियो देखोगे, और साथ एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट जो है वो भी लाजमी लगाना है, और एफिडेविट पर साइन भी आपके ऑफिशियल हो, जो कि आपने साइन, अब हो सकता है कि आप एफिडेविट पर साइन ऑन कर दो आपने जो साइन करने हैं, या एफिडेविट पर आप कोई बुक का कोड लिखना भूल जाओ, ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, बुक के कोड से ही लिखने हैं, ठीक है, और आपने तमाम कोड्स लिखने हैं। अगर आपने असाइनमेंट साथ अटैच कर दी और एफिडेविट में आपने बुक का कोड लिखना भूल गए तो भी आपकी असाइनमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। और एड्रेस, अगर आपने एड्रेस उसके ऊपर सही तरीके से मेंशन करना है, और साथ आपने ये बताना है कि आप ये जो है एड्रेस आपके कौन से कोड का, आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने कंप्लीट एड्रेस रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है, ठीक है, और हो सके तो आपने उसी को कट पेस्ट करके ऊपर पेस्ट करना है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या यू इन्फो को नीचे किस रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर इसको सब्सक्राइब ना किया तो आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेंगी, जो कि आपकी हो सकता है फेल की रीज़न बन जाए, ठीक है। अब पास होने वाली क्या रीजंस हैं आपको ये भी मैं बता दूं, ताकि आपको पता चले कि आप अपने पेपर में वो चीज़ें लिखो। पहला है रिटन बाय यूर सेल्फ, अपनी वर्डिंग में लिखो, सही है इंग्लिश गलत है जैसी मर्जी है, अपनी वर्डिंग में लिखो, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पेज नंबरिंग जो करनी है आपने वो साइड पे कच्ची पेंसिल से नंबर 1 लिख लो, नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर लिख लो, एंड पर ना लिखो आप, यहाँ पे पेज नंबरिंग ना दो, ताकि जब कोई नई चीज़ आपने ऐड करनी है या न्यू एट दी एंड जो है वो सबसे आखिर में यहाँ पे आप पेज नंबरिंग करो, या यहीं पर आप कच्ची पेंसिल से करो, ताकि ओवर राइटिंग कटिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद कॉपी बर्ड वर्डिंग, यानी कि अगर आपने कहीं से भी लफ्ज़ उठाने हैं, कहीं से कोई चीज़ उठा रहे हो, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करो, अगर उसके अंदर मुश्किल वर्ड्स हैं उनको निकाल दो, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखो 800 से 400 वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने पहले और लास्ट पेज जो होगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, पेज को फुल भरना है आपने, ताकि वो जो है इंप्रेशन ठीक पड़े। नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगर वो मेंशन कर देते हो तो इससे कोई भी ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दे भी देते हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट पहले बात करो उसके बाद नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो तो वो ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपने जो भी असाइनमेंट लिख रहे हो उसमें आपने क्वालिटी इस्तेमाल करो, यानी कि आप लेटेस्ट रेफरेंस दो, अगर आप रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सॉरी लेटेस्ट मालूमात दो उन्हें, जैसे अगर आप एजुकेशन पे कर रहे हो तो आप अपनी उस सवाल से मुतालिक देखो कि लेटेस्ट कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, दो एजुकेशन पॉलिसी कौन सी नहीं है, या बजट में कितना इंक्रीज है। अब जैसे जुलाई में बजट आया है तो आप बजट आपको नेट से मिल जाएगा, बजट के बारे में आप लिखो,
इसी तरह जो केमिस्ट्री वाले हैं वो केमिस्ट्री के बारे में लेटेस्ट मालूमात लिखें, उसमें रिसर्च पेपर के बारे में लिखें। तो जितनी लेटेस्ट मालूमात लिखोगे तो उतना आपके लिए बेहतर है। क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपने अपना जो वर्क की क्वालिटी रखनी है वो इंक्रीज रखनी है, वो इसी तरीके से होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने साइन अपने हर पेज पर करने हैं, रोल पेज नंबर हर एक पेज पर, ऊपर कोड का नंबर यानी कि आप कौन सी असाइनमेंट लिख रहे हो, और अपना साथ रोल नंबर, ये चीज़ हैंड रिटन में हो और हर एक पेज के साथ लिखी होनी चाहिए, ताकि अगर उनसे पेज इधर उधर हो जाता है तो आपका कम से कम उनके पास कोर्स का नंबर तो हो। अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि पेज नंबर जो है वो आप पेज नंबर अपने मुताबिक आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी सब्सक्राइब है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इन पॉइंट्स को जहन में रखोगे और जब आप कोरियर करने लगोगे तो मैं कोरियर से रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, वो लाजमी देखोगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।